नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला में जो कोरोना जांच घोटाले का मामला सामने आया, उस बीच अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी बयानबाजी को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे, घोटाले का जिम्मेदार कौन। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में कोरोना जांच घोटाले ने उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक दूसरे पर बयानबाजी से आपसी कलह ने विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया। कोरोना टेस्ट घोटाले को लेकर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मुखर होकर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना घोटाले पर बीजेपी सरकार खुद अपनी बयानबाजी को लेकर घिरती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार कोरोना घोटाले पर पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने घोटाले को पुराना मामला बताया है। मुख्यमंत्री ने मामले को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का बताया और पूरे मामले में जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। वो मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी। ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरे मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पारदर्शी तरीके से न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि पता चल सके कि आरोपी कौन है और किसके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से सिटिंग जज के द्वारा जाँच होनी चाहिए। ताकि मैं जांच बिठाएंगे और जांच तो उन्होंने तुरंत से बिठा भी दी, तो बहुत ही उनका स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और जांच में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये जो टेस्टिंग का जो मसला है, ये कुंभ के दौरान का है और इसलिए जांच हो रही है। और मेरा तो ये कहना है कि हो सकता है, क्योंकि तब भी उसी पार्टी की सरकार थी जिसकी आज है, नाम भी टीएसआर ही है, लोग TSR 1-2 बोल रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं सरकार ने कोई प्रेशर बनाया, कोई जांच में अदला बदली कर दी है, इसलिए इसमें न्यायिक जांच हो तो ज्यादा अच्छा है। कोरोना जांच घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर प्रत्यारोप ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। घोटालों को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार की बयानबाजी ने आपसी कलह को उजागर कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर घोटाले को लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन एक ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कहे कि ये पुराने वाले के समय का मामला है, पुराने वाले कहे कि इसमें जांच होनी चाहिए, इससे बात बनने वाली नहीं है। आज भाजपा और प्रदेश की सरकार घेरे में है कि कुंभ जो हरिद्वार में आयोजित किया गया, उस कुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए राज्य की सरकार कोरोना फैलाने की दोषी भी है और लोगों की जो असमय मृत्यु हुई है उसकी भी दोषी है। कुंभ टेस्टिंग घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार की जमकर क्लास लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाले को लेकर सरकार
दोषारोपण से राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार है या नहीं, अगर है तो फिर दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार ने पहले तो कोरोना टेस्टिंग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया, वो भी महाकुंभ के दौरान, और अब फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरीके का दोषारोपण किया जा रहा है उससे राज्य की प्रतिष्ठा पर और ज्यादा चोट पहुंच रही है। आज तक हम ये समझते थे कि जो पहली सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की है और जो इस समय की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये स्पष्ट तौर पर पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं? वहीं आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री तय कर ले कि कोरोना टेस्ट घोटाले में किस मुख्यमंत्री को जेल जाना है। ये कहना है कि सरकार तो भाजपा की है, उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। ये दोनों लोग आपस में बैठ कर तय कर लें कि किसने इस एंटीजन टेस्ट के घोटाले में पैसे कमाए हैं, और जिसने भी पैसे कमाए हैं उसको सजा देने की आवश्यकता है। तो ये तय करना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और करंट मुख्यमंत्री में से दोनों में से कौन जेल जाएगा। आज ये केवल आरोप लगाने से कि पिछले टाइम के मुख्यमंत्री ने किया या करंट मुख्यमंत्री ने किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये तय करना है कि किसने एंटीजन टेस्ट घोटाले में पैसे खाए और उसकी सजा किसको मिल रही है। केवल ये घुमाने से काम नहीं चलेगा कि वो कह रहे हैं कि जो पुराना टाइम है, केवल 100 दिन पुरानी सरकार है, 100 दिन पुरानी सरकार को भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हजारों साल पुराना एक केस है जिसको कि अब उठाया जा रहा है। अब ये जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है कि इतने बड़े घोटाले में जिसमें कि लाखों टेस्ट फर्जी हुए, एक एक किट से 700-700 लोगों की एंट्री की गई, इसका मतलब टेस्ट ही नहीं हुए, और लाखों टेस्ट का जो पैसा है वो सरकारी खजाने से निकल के किन लोगों की जेब में गया है, ये पूछे जाने की आवश्यकता है। कुंभ मेला 2021 में हुए टेस्टिंग घोटाले को लेकर तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी ने विपक्षी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। उत्तराखंड में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है जिससे ऐसे बयानबाजी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो कोरोना जांच में जो घोटाला सामने आया, हालांकि उसकी जांच की जा रही है, जांच समिति बनाई गई है, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित, यहाँ निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देव भूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में जो कुंभ मेला आयोजन किया गया था, उसमें जो जांच घोटाला सामने आया उसको लेकर राजनीति
तेज हो गई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान है, सबसे पहले आपके उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी नेता हैं, मैम स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संजय भट्ट है, सर आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी हैं, मैम आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आऊँगा, वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका कहना है कि ये उनके समय नहीं हुआ, उनका कहना है ये उनके समय नहीं हुआ। क्या कहीं कहीं ये नहीं लगता कि अभी तक जो आरोप लगाए जाते थे एक दूसरे की सरकार के खिलाफ, अब ये आपस की जो विवाद है वो सरकार की छवि को धूमिल करता है? मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी जी ने जो अपनी बात कही वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष उन्हें छींटाकशी कर रहा है और विपक्ष जिस तरीके से बिना किसी रीजन को जाने, बिना किसी जो भी चीजें वहां पे चल रही हैं, क्योंकि साफ लिखा गया है, साफ पकड़ा गया है कि प्राइवेट लैब का ये जो मामला है वो हमारे संज्ञान में आया है, उसके बावजूद विपक्ष जिस तरीके से छींटाकशी कर रहा है, तो उन्होंने एक अपना सफाई दिया कि इस मामले में बहुत अच्छे से हम लोग जो है एक टीम बना चुके हैं जो जांच कर रही है और प्रॉपर तरीके से इसमें जो है निष्पक्षता से जांच हो रही है। जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वहां के जो भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे लोग हों या फिर कोई और हो, जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनको कठोर सजा दी जाएगी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे जब इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं, और ये एक उदाहरण है, क्योंकि कुंभ जैसा भव्य दिव्य बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य था और हमने वो प्रूव करके भी दिखाया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सफल हुई है। कुंभ उन्होंने जिस प्रकार से इतनी बड़ी चुनौती में, कोरोना संक्रमण के दौरान इतनी बड़ी चुनौती होने के बावजूद, और साथ ही आपने देखा होगा पूरा उत्तराखंड इस चीज का गवाह है कि किस प्रकार से उन दिनों जो है आपदा पे आपदा भी आ रही थी, लेकिन उस इन सब तमाम चीजों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सफल आयोजन किया। लेकिन अगर कथित जो लैब्स के जो पकड़े गए लोग हैं, जो अभी जो ये मामला पकड़ा गया है, इसमें जो चीज आई है उससे बहुत सख्ती से हम अपनी तरफ से राज्य सरकार काम कर रही है और नतीजा आप देखिएगा कि कुछ समय में आपके सामने होगा, और लोग जो इस चीज से संलिप्त पाए गए हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है, गरिमा जी, सुनीता जी का कहना है कि जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही, मामला हाई कोर्ट में है और सरकार इसको लेकर सख्त भी है। सुनीता जी से मैं कहना चाहती हूँ, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लुटा कैसे, ये एक बार भी त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत के पासिंग द पार्सल पे तो आई नहीं। जो भ्रष्टाचार शांत रहिए, आप बोल चुकी, योर टर्न इज ओवर नाउ मैडम। सुनीता जी, सुनीता जी आपके पास आएंगे, गरिमा जी को अपनी बात पूरी कहने दीजिए। तो एक बार भी जो पासिंग द पार्सल यहाँ खेला जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, भ्रष्टाचार को एक गेंद बना लिया, एक बॉल बना लिया, और दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे के ऊपर फेंकने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको इन्होंने छुआ तक नहीं, और शायद हमारा मुद्दा वही था। और दूसरा, इन्होंने कहा सख्ती से अब जांच चल रही है, काश ये सख्ती पहले कर लेती मैडम, जो लोग मरे वो शायद काल का ग्रास नहीं बनते। अगर आपकी सरकार ये जो सख्ती करने का नाटक ढोंग अब कर रही है, ये पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये जानों का सवाल था। आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनता है, मर्डर जो आज त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं, ये छोटा मोटा अपराध नहीं, दिस इज मर्डर, अनइंटेंशनल मर्डर की परिधि में ये आता है। और बस जो माननीय हरीश रावत जी ने सवाल पूछा है उसका जवाब देने, सुनीता जी, कि ये भाजपा के ही थे दोनों मुख्यमंत्री या इनको किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री समझा जाए, जो एक अपने कार्यकाल की साफ गोई पेश कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि भैया ये मेरे कार्यकाल में। और इन्होंने एक हास्यास्पद बात ये कही कि विपक्ष की छींटाकशी की वजह से मेरे मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। हमारी हर बात की सफाई देते हो क्या? हमारी हर सलाह और सुझाव मानते हो क्या? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती आपके किसी भी मुख्यमंत्री को। और यहाँ पर विपक्ष का तो कोई गेम ही नहीं है, विपक्ष को तो एक किनारे रख दीजिए आप। आपके जो दोनों मुख्यमंत्री आपस में सिर्फ टवल कर रहे हैं, और ये वो सरकार है शैलेन जी जो प्रचंड बहुमत, डबल इंजन और जीरो। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे गरिमा जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो आपकी अधूरी बात है वो आप पूरी कीजिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3,535 से बढ़ाकर 7,040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे घोटाले के जिम्मेदार कौन। इससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह घोषणा की है। एके शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी एके शर्मा को लेकर। अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा की है। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि एके शर्मा को कौन सा पद मिलेगा और अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा की है। एमएलसी एके शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जुड़ गए हैं। राजवीर, काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी इनको पद देने की, अब प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? राजवीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, एन जी बताएं। राजवीर, काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी एके शर्मा को क्या पद दिया जाएगा, बड़े विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है ऐसा कहकर, लेकिन अभी उनको उपाध्यक्ष पद दिया गया है। देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम दिनों से जो तमाम अटकलें चल रही थी एके शर्मा को लेकर, पहले की एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सरकार में दी जाएगी, एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एके शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास है, तो इन सब तमाम अटकलों पर विराम लगा है। बिल्कुल, तमाम अटकलों पर विराम लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, एके शर्मा जो हैं उनको अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रिया राजवीर हमसे जुड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा की है। एमएलसी एके शर्मा अब उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि इनको एक बड़ा पद दिया जाएगा और मिनिस्ट्री में भी जोड़ा जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर अब विराम लगता नजर आ रहा है।
वापस हम आएंगे अपने खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में, जहां हम बात करें आखिर घोटालेबाज कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वर्तमान है तीरथ सिंह रावत और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। वापस हम गरिमा जी के पास आएंगे। ब्रेक से पहले गरिमा जी, आप अपनी बात कर रही थी, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। जिस तरह का खुलासा इस कुंभ फर्जीवाड़े में समझ में आ रहा है, ये देश का कोविड काल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बनकर उभर रहा है और उत्तराखंड की प्रतिष्ठा पर और उसकी छवि को धूमिल करने का जो काम किया है, उसके लिए उत्तराखंड देवभूमि के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोग सीना चौड़ा करके बाहर जाते थे प्रदेशों में और देश से बाहर, और लोगों के पूछने पर हम गर्व से कहते थे हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, हम तपोभूमि उत्तराखंड, चार धाम की भूमि उत्तराखंड से आए हैं, और लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। आज लोग हमारी टेस्टिंग पे बिलीव करेंगे क्या? हमारे वहां इस तरह की फ्रॉड टेस्टिंग हो रही है, ये नाटक नौटंकी प्रपंच जो कर रहे हो, जगह जगह बैरिकेडिंग में लोगों के आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट जो ले रहे हो, इस पर जो सैलानी आ रहे हैं, अब मानसून सीजन शुरू हो गया तो उत्तराखंड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में जो आपने कुंभ के लोगों के साथ किया, देश विदेश से यहाँ पर लोग गंगा मैया की डुबकी लगाने के लिए आए, आप लोगों ने जिस तरह से आज उनके परिजनों को जब पता चल रहा होगा कि अच्छा उत्तराखंड सरकार की लापरवाही और कोताही से मैंने अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया, अपनी माँ को खोया, सोचिए कि वो क्या उनकी मनस्थिति। ठीक है, वापस आएंगे गरिमा जी आपके पास। हमारे साथ संजय भट्ट भी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। संजय जी, एक तरफ तो जांच चल रही है जो घोटाला हुआ है उसको लेकर, मामला हाईकोर्ट में भी है, लेकिन इसी बीच जो मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत, वो कहते हैं ये उनके समय का नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं मेरे समय का नहीं है, इस बीच क्या अब इसकी भी जांच होगी? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में यही होता रहा है, बस ये था कि पहले दूसरी पार्टी पे आरोप लगाया जाता था, आज अपनी ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। पहले भी यही हुआ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी ने कहा 56 घोटाले कर दिए, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो कांग्रेस ने कहा 56 घोटाले कर दिए, हम इन्हें जेल भेजेंगे, हम इन्हें यहाँ भेजेंगे, हम उन्हें वहां भेजेंगे। कुंभ घोटाला हुआ, स्टेडिया घोटाला हुआ, आपदा घोटाला हुआ, न जाने कौन कौन से घोटाले हुए, लेकिन हुआ क्या, ढाक के तीन पार। आज तक उत्तराखंड में किसी को भी जेल नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मंत्री थे उनके ऊपर किया तो हरीश रावत जी ने उस पूरी रिपोर्ट के ऊपर लिख दिया कि इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें अपने आप को पाक विधानसभा से साबित करवाया। तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ लूट का काम चलता है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि ये जो कोरोना टेस्ट हुए इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच ये नहीं ऑडिट होना चाहिए, इसकी ऑडिट होकर पता चलेगा कि ये 1,00,000 ऑडिट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार जांच के दावे कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना, मुश्किल दौर, मुश्किल हालात, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में ऊर्जा का नया संचार कर रहे हैं। नियम, संयम और सजगता के साथ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए हर फ्रंट पर मजबूत तैयारियों पर जोर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में ना तो राज्य में हालात काबू से बाहर हुए और ना ही राज्य में जीवन रक्षक औषधियों से लेकर ऑक्सीजन की कोई कमी हुई। इसके लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीतियां बनाई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर की गई, जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड में कोविड टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज राज्य में जहाँ 10 प्रयोगशालाएं आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हैं, वहीं 26 निजी प्रयोगशालाओं और 64 ट्रूनेट मशीनों के द्वारा कोविड जांच की जा रही है। कोरोना जांच बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज पर है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को सरकारी ही नहीं निजी अस्पतालों में भी समुचित इलाज मिले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निशुल्क उपचार की व्यवस्था दी जाए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत PPE किट पहनकर
कोरोना वार्डों में जा रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्लान पर फोकस किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जनपद सहित निचले स्तरों पर कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 108 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 250 से अधिक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर कार्यरत हैं। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 1 मार्च 2021 से अभी तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 3,535 थी, उसे बढ़ाकर अब 7,048 कर दिया गया है। वहीं आईसीयू बेड की संख्या को 836 से बढ़ाकर 1,754 किया गया है। वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया गया है, 695 से बढ़कर ये संख्या आज 1,092 हो गई है। प्रदेश सरकार की तैयारियों का ही नतीजा था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों हेतु ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हुई। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने मार्च 2021 में उपलब्ध 1,275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाते हुए जून तक 3,700 और नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिससे प्रदेश में अब 4,975 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है। मार्च 2021 में जहां 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट थे, उसकी तुलना में उत्तराखंड में आज 15 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 18 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसके जरिए संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कारगर रणनीति बनाई। उत्तराखंड सरकार आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों पर ही मोबाइल टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन किट मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी था। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पालन के लिए सख्त नियम लागू किए, जिसका क्रियान्वयन उत्तराखंड पुलिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। राज्य में 800 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 45 साल के ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण के साथ साथ अब 18 से 44 साल के लोगों का भी प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और कारगर रणनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में उत्तराखंड आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सेवा समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सीधे पंजाब ले चलेंगे, जहां मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंच चुका है। सीधी तस्वीरें पंजाब की, जहां जो हमारे देश के तेज धावक थे उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। सीधी तस्वीरें हैं मिल्खा सिंह जी के पार्थिव शरीर की, जहां तमाम सारे लोग मौजूद हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और काफी सारी संख्या में वहां लोग
मौजूद हैं। सभी नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। एक भावुक क्षण आज देश ने एक बड़ा महान योद्धा खो दिया है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, अनुजाति मोर्चा की जिम्मेदारी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिम्मेदारी संजय गोड को दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी कुबासित अली को दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी में बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी ने कई मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की है। युवा मोर्चा श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी फरुखाबाद को बनाया गया है। औरैया से सांसद गीता शाक को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। कामेश्वर सिंह गोरखपुर को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, किस तरह से देखें इस बदलाव को? देखिए, अगर शैलेंद्र इसको देखा जाए तो ये काफी बहुप्रतीक्षित फेरबदल है संगठन में, क्योंकि अगर देखें जो दो तरीके की लिस्ट आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने जारी की है, और पहली लिस्ट में एके शर्मा जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में और पूरे पूरे देश में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम चीजों के कयास लगाए जा रहे थे कि शर्मा जी को गृह विभाग दिया जाएगा, शर्मा जी डिप्टी सीएम होंगे, शर्मा जी क्या नहीं होंगे शर्मा जी, और सबसे ज्यादा चिंता हम मीडिया के साथियों को थी, भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, शर्मा जी को, मोदी जी को, योगी जी को भले इतनी फिक्र ना हो, लेकिन मीडिया वाले बहुत परेशान थे, मेंटली बेचारे बहुत थके हुए थे, दो महीने से शर्मा पुराण गाते गाते वो परेशान हो गए थे कुल मिलाकर। तो आज एक तो तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नेता है और उन्हीं का चेहरा है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। योगी जी जो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में होगा वही। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने भी, क्योंकि अगर ये लिस्ट स्वतंत्र देव जारी कर रहे हैं, दो दिन पहले उनको दिल्ली बुलाया जाता है, सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को, उसके बाद एक आनंद फानन उन्हें बुलाया जाता है, बैठक होती, उसके बाद कल स्वतंत्र देव बयान देते हैं कि योगी ही नेता है और वही चुनाव में चेहरा है। आज ये संगठन की पहली दो सूची थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में जारी की गई, जिसमें एके शर्मा एमएलसी को बनाया गया है प्रदेश उपाध्यक्ष। इसी तरीके से अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें अर्चना शर्मा है, ये लखनऊ से आती है, प्रदेश मंत्री बनाया गया है। अर्चना मिश्रा है, इनको प्रदेश मंत्री बनाया गया है, और एक प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि बने। तो जो अगर संगठन की बात करें तो जो ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर था, तो जो तीन मेन बॉडी में पदाधिकारी आज बने हैं उनमें दो ब्राह्मण हैं, अर्चना मिश्रा कुलीन ब्राह्मण है और एके शर्मा ब्राह्मण है। तो इस तरीके से इसमें सोशल इंजीनियरिंग दूसरा संदेश इसका ये जाता है। अब अगर इसी के साथ थोड़ी देर बाद एक लिस्ट और स्वतंत्र देव जारी करते हैं और वो इस बात को उसमें मोर्चा अध्यक्षों की जो विभिन्न प्रकार के मोर्चे हैं, अनुसूचित मोर्चा हो, चाहे आपका अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग का मोर्चा हो, तो अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो मुख्य संगठन है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उसके बाद शैलेंद्र सबसे ज्यादा जब किसी जो आनुषंगिक या जो मोर्चाओं का जो सबसे ज्यादा क्रेज होता है युवा मोर्चे का होता है, और युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी भी हर चुनाव और हर तरीके से युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है, और जो युवा मोर्चा किसी भी संगठन का होता चाहे जो दल हो, वहाँ भविष्य का नेता तैयार किया जाता है। तो युवा मोर्चे की कमान प्रांशु दत्त द्विवेदी को दी गई है। अब ये प्रांशु दत्त द्विवेदी के बारे में हम दर्शकों को बता दें कि ये मरहूम स्वर्गीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी
जो कभी कल्याण सिंह के दौर में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा, मैं पुनः इस बात को रिपीट करूंगा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी फरकाबाद में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, वो कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जो आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी वो बिल्कुल खुले पटल पर आ गई थी, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी को उत्तर प्रदेश का सर्वमान्य ब्राह्मण चेहरा, सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा, उस समय वो राजस्व मंत्री थे सरकार में जब उनकी हत्या हुई थी, तो आप देखिए कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे प्रांशु दत्त द्विवेदी को युवा मोर्चे की कमान दी गई है। प्रांशु दत्त के बड़े भाई सुनील दत्त द्विवेदी विधायक हैं फरकाबाद से, उनकी माँ भी प्रभा द्विवेदी मंत्री रह चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को अभी तक लगातार ही हो रहा था कि योगी राज में ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, कभी विकास दुबे की आड़ लेकर, कभी खुशी दुबे की आड़ लेकर, यदा कदा जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं वो इस बात को हवा देते रहे हैं, बीजेपी संगठन के लोग और योगी विरोधी लोग ये बातें करते रहे हैं। तो संगठन में प्रांशु दत्त द्विवेदी को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया, ये बहुत बड़ा संदेश ब्राह्मणों के लिए है। मुझे लगता है कि अभी इससे ज्यादा संदेश बीजेपी को देने की जरूरत नहीं है। सर, ये कहेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सभी लोगों को साधने की कोशिश करी जा रही बीजेपी की तरफ से ये जिम्मेदारी देकर? नरेंद्र, मैं थोड़ा और चीजें बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा जनरल सा सवाल है, साधने की तो साधता ही हर दल साधता है। आप देखिए, अगर आज टोटल मोर्चा और जो मुख्य पदा जो मुख्य संगठन है उसमें अगर 10 पदाधिकारी बनाए गए हैं तो उनमें 4 ब्राह्मण हैं, 40% का आरक्षण है। अब ये देखें, इस नजरिए से देखें आप कि एक मोर्चे का अध्यक्ष जो युवा मोर्चा है सबसे ज्यादा मतलब उसमें चमक दमक वाले लोग रहते हैं, उसका अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को बना दिया गया है, तो 30-40% आरक्षण देने की कोशिश की गई है, ब्राह्मणों को पद देने के नाराजगी उनकी दूर करने की कोशिश की गई है। अब एक और देखते हैं, इसके बाद जो सर्वाधिक जोर दिया गया है वो पिछड़ों को दिया गया है। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आमतौर पर अभी तक ज्यादातर देखने को मिला कि अपर कास्ट से आती थी, इससे पहले लगातार हमने देखा अपर कास्ट की महिला मोर्चे की अध्यक्ष होती थी, इस बार राज्यसभा की सांसद एमपी है राज्यसभा से गीता साक्य, उनको महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। गीता साक्य अति पिछड़े वर्ग से आती है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह है, गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर कनेक्शन का कोई फायदा इनको मिला है, उस तरह नजर आ रहा, कामेश्वर सिंह छत्री है। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात कर रहे हैं, तो महिला मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जाहिर सी बात है पिछड़ा वर्ग मोर्चा है तो उसका अध्यक्ष पिछड़ा ही होगा, तो श्री नरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद हैं, एमपी हैं, अनुभव वाले लोगों को मोर्चा का भी अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक बहुत इस तरह का प्रयोग नहीं देखने को मिला बीजेपी संगठन में, तो ये बहुत मंथन है सुनील बंसल का और जो केंद्रीय नेतृत्व का और स्वतन देव का। अनुसूचित जात मोर्चे का अध्यक्ष सांसद है मोहनलालगंज से कौशल किशोर, मौजूदा सांसद हैं लोकसभा के, दूसरी बार जीते उन्हें बनाया गया है। कौशल किशोर यदा कदा पत्र लिखकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, उन्हें सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं और परोक्ष रूप से योगी महाराज पर भी सवाल उठाते रहे हैं, वो उनको संतुष्ट करने के लिए उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आइए और परफॉर्म करिए, केवल बातें करने से कुछ नहीं चलने वाला है। अब अनुसूचित जनजाति मोर्चे में संजय गोंड है, ये दलित वर्ग से आते हैं, गोंड समुदाय के हैं, गोंड समुदाय को भी संदेश देने की कोशिश की गई, 4-5% 6% उत्तर प्रदेश में गोंड हैं, उनको लेकर ये एक रणनीति तैयार की गई। अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष कुंवर बासित अली बनाए गए हैं। तो आप देखिए कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष पिछड़ा हो गई, स्वतंत्र देव खुद पिछड़े हैं, इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा, महिला मोर्चे का अध्यक्ष पिछड़ा, पिछड़े वर्ग का पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसका अध्यक्ष पिछड़ा होगा ही, तो पिछड़ों और ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने संगठन के दरवाजे खोल दिए हैं। और जो आप देखने को मिल रहा है इसमें चुनावी, जो आपका सवाल था कि चुनावी रणनीति तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा उनको पिछड़ों और ब्राह्मणों, ये सोशल इंजीनियरिंग जताई गई है, और पिछड़ों और ब्राह्मणों पर बीजेपी संगठन में एक बार फिर ज्यादा भरोसा किया गया है, उन्हें ज्यादा महत्व दिया गया, ज्यादा अहमियत दी गई, मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन एक बार मैं फिर दोहराऊंगा शैलेंद्र कि अरविंद शर्मा को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में ये साबित हो गया, ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ महाराज ही उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, वही चेहरा हैं, चाहे
बातें चाहे जो कोई कुछ कर ले, चाहे मीडिया के लोग चाहे बातें कर ले, चाहे संगठन के लोग बातें कर ले, चाहे योगी विरोधी बातें कर ले, लेकिन नेता योगी आदित्यनाथ ही है। जी बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं महज औपचारिकता निभाई गई है ए के शर्मा को उपाध्यक्ष पद दे के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी हमें साझा की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। एके शर्मा को लेकर तमाम सारी अटकलें जताई जा रही थी, जिसमें अब विराम लग चुका है। साथ ही साथ ब्राह्मणों और पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई। वापस हम आएंगे देवभूमि के दंगल में, जहां बात कर रहे हैं हरिद्वार में जो जांच घोटाला हुआ, उस घोटालेबाज वो कौन है। हम वापस सुनीता जी के पास आएंगे। सुनीता जी, अक्सर ये देखा गया है राजनीति में, जिसकी सरकार होती है सत्ता में, वो पूर्ववर्ती सरकार या विपक्ष की जो पूर्व सरकार होती है, पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है ये उनके समय में नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं ये उनके समय में नहीं हुआ। क्या अब इस चीज की भी जांच होगी? देखिए भाई, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही है पिछले 4.5 साल से, वो हम सबके सामने है। और एक बात, घोटालेबाजों की जो सरकार है वो क्या जानेगी। मुझे एक अभी एक किस्सा याद आ रहा है कि कुछ जो आज राफेल पे प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, और जो लगाने वाले हमारे बबुआ का जवाब जो है सोशल मीडिया पूरे देश की जनता दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो राफेल खरीदा वो डमी नहीं है, वो चलता भी है, उड़ता भी है और मारता भी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेस जो है कोरोना की तरह हमेशा म्यूटेट होती रहती है, और आजकल जो इनको स्ट्रेन हो रहा है वो आईसीसी कांग्रेस जो है हमारी, आजकल फेक न्यूज आईसीसी स्ट्रेन इन पे पड़ा हुआ है, जिसका जल्द ही बीजेपी इनका उपचार करेगी और 22 में इनको जवाब देगी। देखो, जो विरोधाभास विपक्ष द्वारा जो पैदा किया जा रहा है वो एक भ्रम है। भ्रम की स्थिति ऐसी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सवाल किया गया कि आपके 100 दिनों में इस तरह की जो चीजें हो, मामला आ रहा है, क्या वो आपके 100 दिनों का है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, इस पे ऑलरेडी जांच चल रही है, और इस पे हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी कि लैब से संबंधित जो है कहीं पे टेस्टिंग में गड़बड़ी का मामला है, तो उसे हमने जांच के लिए बोला गया। अब मैं कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी जो बोफोर्स घोटाले से लेके 2G कम्युनिकेशन घोटाले तक सैकड़ों घोटाले जिन्होंने इस देश को लूटने में खसूटने में जो माहिर है कांग्रेस पार्टी, झूठ पर झूठ। हरीश रावत जी की बात करूं, हरीश रावत जी जिस तरीके से सैंडविच बने हुए हैं पंजाब में, वो किसी से छिपा नहीं है, ना तो बेचारे उत्तराखंड के कर पा रहे कुछ भला, ना पंजाब का हो पा रहा इनसे। भाई एक है, एक एज प्रभाव भी होता है, उन्हें संरक्षक बना के उनका तो आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके पास कोई लीडर ही नहीं है, वैसे ही इनके पास मुद्दे नहीं है, छोटी छोटी चीजें इनके, तो इनके समय के घोटाले मैं बताना चाहूंगी कि हाई कोर्ट में कितने जमाने से लंबित हैं, कितने टाइम से जांचें चल रही हैं, उस पे भी जरा ये प्रकाश देते हैं। गरिमा जी से, गरिमा जी, सुनीता जी कहना है कि ये विपक्ष को अपना मौका बना रही है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं, मुख्यमंत्री से सिंपल से सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि ये जांच की जा रही है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बयानबाजी उनका साफ तौर पर कहना ऐसी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। स्टैंड ये क्लियर है कि जो दोषी है, नहीं पता अपना गरिमा जी का, उन्होंने सुनीता जी, उन्होंने गरिमा जी को ये कहा। सुनीता जी, आपकी बात पूरी हो गई ना, आपकी बात पूरी हो गई, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब दूसरों को मौका दीजिए। तो बस एक लाइन बोलना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, एक लाइन आप बोल लीजिए, गरिमा जी एक लाइन सुन लेते हैं। जी सुनीता जी, सिर्फ एक लाइन। देखिए, हमारे पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो भी इसमें, क्योंकि देखिए ये हमारे कुंभ से, कुंभ और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, जहां हमने इतनी रात दिन मॉनिटरिंग करी, इतनी हमने वहां पे फोर्सेस लगाई, इतना पुलिस प्रशासन लगाया, इतना हमने अधिकारियों की वहां ड्यूटी लगाई, उनके अगर इस तरीके का जो सभी की आस्था से जुड़ा प्रश्न है, ये कोई सिर्फ एक वर्ग की आस्था नहीं है। वापस आएंगे गरिमा जी। गरिमा जी, सुनीता जी कहना है मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये कहा था कि जो भी है दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो विपक्ष है वो इसको एक तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है। शरण जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुनीता विद्यार्थी जी को आप लोग विषय बताना भूल गए।
क्योंकि डिबेट का जो टॉपिक है ये बोफोर्स और राफेल पूरा घूम के आ गई है और फिर मेरे टर्न में कह रही है मुझे बात रखने दो, मुझे बात रखने दो। जब बात रखने का समय था तब आप बात रखती नहीं, तब आप मैं बार बार कह रही हूँ तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। अब तुम्हें राफेल के ऊपर सफाई देनी है, तुम्हें बोफोर्स को लाना है बीच में, घोटाले और कोयला घोटाले को बीच में लाना है। वो सुनीता जी सुन लीजिए, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से पड़ रहा है डंडा हाईकमान से आपके वहां से, और डंडा पड़ रहा है त्रिवेंद्र और तीरथ दोनों को। ये भैया इनको ऐसे ही डिबेट करना है, इनको चुपचाप छीपी तो सब भी करना हर डिबेट में। आपके किसी की अंतर कलह किसी से छिपी नहीं है, रोज आपको जैसे आपको प्रीतम जी और हरीश रावत जी और आपके प्रभारी में जो अंतर द्वंद चला हुआ है, आप सोचते हैं कि भाजपा में भी यही है। हमारे बीच में देखिए दोनों पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि अब हमारे समय में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, रख लीजिए ना, फिर राफेल पे क्यों जा रही है अपने मुख्यमंत्री पर स्टैंड रख लीजिए। यही टॉपिक पे रहिए तो कह रहे हैं आपसे, आपसे यही निवेदन करते हैं कि मैडम विषय एक विषय वस्तु नाम की चीज होती है, विषय दिया जाता है, हमको हमारी बात करनी होती है। अब आपको अपने मुख्यमंत्रियों का स्टैंड रखना है दूसरे के टर्न पे, जब दूसरे का टर्न आया तो आपको अपनी पार्टी का। सुनीता जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका ये कहना है कि जो मार्च में उनके समय पे टेंडर नहीं हुआ है, अगर टेंडर हुआ है तो वो मेला प्रशासन की ओर से जारी किया जा सकता है, उनकी तरफ से जारी किया गया होगा, ये उनका बयान है। नहीं उनको क्या आपका ये डिबेट करने का सीधा पसंद आता है, जो आप दूसरों के टाइम पर घुस घुस के बोलने शुरू करती है। आपको हमने बहुत वक्त दिया, दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए ना, सभी को समय मिलना चाहिए ना। गरिमा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनीता जी मुद्दे से बाहर की बात मत कीजिए, हमारा मुद्दा यह है कि जो मुख्यमंत्री वर्तमान के हैं उनका कहना है वो दूसरे अपनी गेंद दूसरे पाले में डाल रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि मेरे वक्त में ये टेंडर नहीं हुआ, हो सकता है जो मेला प्रशासन उसकी तरफ से टेंडर जारी किया गया हो। तो हम जो डिबेट इस मुद्दे पे कर रहे हैं, हम राफेल पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम पुराने घोटालों पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। गरिमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं स्टैंड क्लियर किया, हम यही कह रहे हैं, ये पहले नहीं दिए किसी ये भी कहा दोषी है का बयान जाएगा, हमारे भी सामने है क्योंकि हाई कमान से आप फटकार लग रही है कि ये साथ कर क्या किया, आशा के साथ कर क्या किया, के साथ क्या कर दिया, इतना बड़ा आपने पर्जी बाड़ा हिंदू आयोजन के साथ कर दिया, तो ऐसे में कौन हमको हिंदुत्व पार्टी मानेगा, कौन हमें रामलला का भक्त मानेगा। अब हमको आयोजन दोनों जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर मर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सुनीता जी शांत हो जाइए, सुनीता जी शांत हो जाइए, आपको बहुत वक्त दिया, गरिमा जी को अपनी बात पूरी कहने दीजिए ना। यही तो सिखा के भेजती है भाजपा इनको कि बोलने मत दीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता की बात जो है वो जनता तक जाने मत दीजिए, और मुझे समझ नहीं आता इनके मीडिया प्रभावी। आई थिंक आप काफी बोल चुकी सुनीता जी, ठीक है ठीक है। आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा, हमारे साथ संजय भट्ट जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संजय जी क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? रावण के बहुमत का मैं शैलेंद्र जी अपनी बात करे बगैर नहीं जाऊंगी। ठीक है संजय जी एक मिनट, गरिमा जी अपनी बात कम शब्दों में पूरी कीजिए, उनको भी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी समय देना है। संजय जी आपके पास आएंगे, गरिमा जी अपनी बात कम शब्दों में पूरा कीजिए प्लीज, संजय जी आपके पास आएंगे। गरिमा जी हम चाहेंगे आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। दर्ज होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप दर्ज होना चाहिए इसमें, और मेरा तो ये कहना है, हमारा ये कहना है कि इसमें और की अवमानना भी हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट उत्तराखंड ने ये कहा था कि साफ साफ कहा था कि 50,000 टेस्ट रोज होने चाहिए। सुनीता जी आपके आपको बहुत वक्त दिया, आपने अपनी बात कही, अब दूसरों को तो मौका दीजिए ना। गरिमा जी जब बोल रही तब भी आप उनको नहीं बोलने दे रही है, संजय जी जब बोल रहे उनको भी बोलने दे रही है, इस तरह डिबेट नहीं होती मैडम। जब आपसे सवाल किया जाता है दूसरे मुद्दों की बातें करती हैं, आप राफेल पे चली जाती हैं, दूसरे घोटालों पे चली जाती हैं, सरकार उत्तराखंड में आपकी है, सवाल आपसे किया जाएगा। सुनीता जी हम चाहेंगे प्लीज शांत हो जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, वापस हम गरिमा जी के पास आएंगे।
की देखिए ये इसमें हाई कोर्ट के ने कहा था 50,000 केस रोज कोरोना टेस्ट रोज होने चाहिए, इन्होंने फर्जी आंकड़े वहां हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, यानी हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहे थे, हाई कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया, फर्जी आंकड़े हाई कोर्ट के सामने दिए और ये कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है साथ साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और इनके फर्जी टेस्ट के कारण न जाने कितने लोगों की जान गई होगी, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारे दर्जनों संत इसमें हमारे साधु संत इसमें मारे गए, इनकी जान गई कोरोना से, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और साथ साथ इसकी ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट होके ही पता चलेगा कि ये 1,00,000 फर्जी केस है या 10,00,000 फर्जी केस है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार होता रहा है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने 56 घोटाले कर दिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती कि इन्होंने 65 घोटाले कर दिए, लेकिन कोई किसी भी घोटाले का आज तक उत्तराखंड में कोई भी नेता दोषी जेल नहीं गया, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए क्योंकि इसमें हत्या का भी मामला है, बिल्कुल लोगों की जान जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। वापस गरिमा जी के पास आए, गरिमा जी हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था जब मेला आयोजन चल रहा था कि डेली 50,000 जांचें होनी चाहिए, क्या वो जांचें इतनी तेजी से रोजाना नहीं हो पा रही थी, इसको देखते हुए एक ये प्लान तैयार किया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा जांचों जो निगेटिव कर दें और सरकार का जो निर्देश है हाईकोर्ट का वो भी अमल हो जाए और जो सरकार ने भी कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जांचें कराएंगे वो भी पूरा हो जाए। ठीक है संजय जी ठीक, गरिमा जी से सवाल है हमारा, गरिमा जी ठीक है संजय जी गरिमा जी आपसे सवाल है हमारा, पता चलना चाहिए कि किसने गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जांच समिति बनाई गई है हाई कोर्ट के में भी संज्ञान में मामला है, 23 जून को तारीख भी है। गरिमा जी से आपसे सवाल है, जो जल्दबाजी में ये जांचें की गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देशित किया था कि रोजाना 50,000 जांचें करनी है तो वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए सबको एक ही मकान नंबर पे एक ही मोबाइल नंबर पे ये जांचें शुरू कर दी गई, अगर ICIMR में मामला संज्ञान में ना आता भी पता भी नहीं चलता, फर्जीवाड़े या 1,00,000 टेस्ट की बात नहीं है, 9 कंपनीज के साथ इन्होंने करार किया, 22 लैब उसमें इन्वॉल्व थी और अभी ये केवल एक कंपनी का फर्जीवाड़ा है जिसमें 200 सैंपल कलेक्टर्स राजस्थान के रहने वाले हैं, वो कभी हरिद्वार आए भी नहीं, उनको सैंपल कलेक्टर्स दिखाया गया है, 730 के करीब आप लगाइए लोगों का एक पता यानी मकान नंबर 5 हरिद्वार दिखाया गया है, 530 टेस्ट जो है एक सिंगल एंटीजन टेस्ट किट से किया गया है, जिस टेस्ट किट का सिंगल यूज होता है, एक व्यक्ति पर एक एंटीजन टेस्ट किट यूज होता है, वो 530 लोगों पर वो एंटीजन टेस्ट किट दिखाया गया है, इस तरह से कई फर्जी फोन, कई फर्जी पते और 18 लोकेशंस यानी कि देश के 18 प्रदेशों के लोगों के नाम के आगे फोन नंबर सिर्फ एक है, तो इसके तार बहुत लंबे हैं जनाब, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सफेद पोस्ट से लेकर अधिकारी तक सब इसमें संलिप्त हैं। सरकार से हमारा सवाल ये है, क्या किसी भी सरकार को इतने बड़े आयोजन में किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते वक्त या करार करते वक्त उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जांचनी चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, अगर आप किसी को टेंडर देते हैं किसी कंपनी को, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का पहले का काम कैसा रहा है, ये सब जांचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हमने टेंडर दे दिया, वो कैसे भी काम करें मॉनिटरिंग करना भी जरूरत नहीं समझती सरकार? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, टेंडरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो उसी माध्यम से हुई है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे काबिल ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां पर, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ सुनीता जी, एज अ विपक्ष मैं जानना चाहती हूँ, त्रिवेंद्र ने दिया था, तीरत ने दिया था, टेंडर किया किसने था? आप क्योंकि सम्मानित प्रवक्ता हैं अपने दल की, सम्मानित प्रवक्ता हैं, हमें आप तो बता दीजिए अंदर की बात क्या है, ये दोनों जो बॉल लोटा रहे हैं एक दूसरे की तरह, ये दोनों जो बॉल फेंक रहे हैं, हम आप बता दीजिए टेंडर किया किसने? गरिमा जी शांत हो जाइए, जो आपका सवाल है उसी का जवाब हम ले रहे हैं, गरिमा जी आपके सवाल का ही जवाब हम ले रहे हैं सुनीता जी से, प्लीज शांत हो जाइए। गरिमा जी शांत हो जाइए प्लीज, आपने जो सवाल किया उसी का जवाब हम मांग रहे हैं सुनीता जी से, प्लीज सुनीता जी। सुनीता जी सवाल तो ये भी ना कि जो समापन जो कुंभ का था 30 अप्रैल को हो चुका था, उसके बाद 1 मई से 15 मई तक जो जांच थी उसको पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा था,
जब मेले का समापन 30 अप्रैल को हो गया, फिर उसके बाद की जांचें कौन सी थी? सवाल तो उठेंगे ना कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। अब सरकार ये कह रही कि मेरे टाइम पे टेंडर नहीं जारी हुआ, वो कह रहे मेरे टाइम पे नहीं हुआ, तो आखिर इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय जी आपका शुक्रिया, सुनीता जी आपका भी शुक्रिया, और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे जो कोरोना में जो जांचें हुई उसका घोटाला हुआ, अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी बयानबाजी सामने आ रही, कौन सच है कौन झूठ ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।